हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी पनीर बाटी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। पनीर बाटी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 150 ग्राम पनीर को ग्रेट करके रखा, आधा ओनियन बारीक चॉप करके रखा, दो ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। डो बनाने के लिए 2 कप गेहूँ का आटा लिया, 1/4 कप सूजी बरावा लिया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा चम्मच अजवाइन और पानी और घी यूज़ करूँगी। ये होममेड घी है, पहले ही मैं वीडियो में देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं। गेहूँ का आटा में सूजी ऐड कर दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बेकिंग सोडा और अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड कर देती हूँ और साथ में 2 चम्मच घी भी ऐड कर देती हूँ और पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और एक स्टिफ डो बना लूँगी। अच्छी तरह से मलमल के डो बना लिया। अभी सेट होने के लिए 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ। बड़ा बाउल ले लिया जो पनीर ग्रेट करके रखा था, ऐड कर देती हूँ। साथ में ऑनियन बारीक चॉप करके रखा, ग्रीन चिली, हरे धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। डो में भी नमक ऐड किया तो फिलिक्स में हिसाब से नमक ऐड करने का और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। स्टफिंग रेडी हो गया, आटा भी सेट हो गया और एक बार अच्छी तरह से मल लेती हूँ। और छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। ऐसे सारे बॉल्स बना लिया। एक बॉल उठा के ऐसे पहले कटोरी का शेप दे दूंगी और जो स्टफिंग बना के रखा कटोरी में जितना आया उतना ही स्टफ करने का और अच्छे से दबाते हुए बाटी को बंद करूंगी। ऐसे सारे बाटी बना के तैयार कर लेती हूँ और एक बेकिंग ट्रे में अरेंज कर लेती हूँ। सारे पनीर बाटी को एक ट्रे में अरेंज कर लिया, अभी माइक्रोवेव में बेक कर लूँगी 180 डिग्री में 10 मिनट्स। पहले 5 मिनट्स एक साइड करूँगी और फ्लिप करके और 5 मिनट्स करूँगी। माइक्रोवेव में 180 डिग्री में 10 मिनट्स बेक कर लूँगी तो पनीर बटी बनके रेडी हो जाएगा। टेस्टी पनीर बटी बनके रेडी हो गया, कलर भी बहुत ही अच्छा आया देखिए। अभी घी में डिप करके प्लेटिंग कर लेती हूँ, ऐसे थोड़ा दबा के और ऐसे घी में डिप कर लेने का, घी से बाटी का स्वाद और बढ़ जाता है। और जो लोग को घी पसंद नहीं है ऐसे भी खा सकते हैं, अंदर पनीर स्टफिंग है। ऐसे डिप करके प्लेट में निकाल लेती हूँ। काट के भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। टेस्टी पनीर बटी बन के रेडी हो गया, बहुत ही इजी से बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।